दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं पांडे गुरु जी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का कोई भी स्टूडेंट, जैसे कि वो आर्ट्स से पास आउट है या बीकॉम से पास आउट है, कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो क्या वो डेटा साइंस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो इसको मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं बहुत सारे मेरे पास मैसेजेज आ रहे थे, यूट्यूब में कमेंट है कि क्या एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड अपना का स्टूडेंट एक डेटा साइंस में या डेटा एनालिटिक्स में करियर बना सकता है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप कोई भी कोर्स सीखना चाहते हैं तो लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हुआ हूँ, जिसका लिंक है pandegurji.graphy.com। वहाँ पे जाके आप अपने कोर्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और काफ़ी कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में आपको रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ट्रेनिंग मेरे द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा, जो SQL का है, पाइथन का है। तो आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा साइंस होता क्या है? डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बेसिकली एक डेटा पे रिसर्च किया जाता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा डिमांडेबल है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, किस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, किस प्रोडक्ट का डिमांड कम है, वो पिछले पास्ट डेटा पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे कि एक डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो भी एक पार्टिकुलर कोई भी फील्ड पे रिसर्च करते हैं, वैसे एक डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो एक डेटा पे रिसर्च करते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी, सपोज फॉर एग्जांपल अपना एक बिजनेस लॉन्च कर रही है हैदराबाद या न्यू दिल्ली में, तो प्रिडिक्ट करती है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे चलेगा क्या नहीं चलेगा, कस्टमर क्या लाइक करता है। जैसे कि आप अमेजोन में आप देखते होंगे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो ये सारे जो पॉसिबल होता है डेटा साइंस से ही पॉसिबल होता है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो होती है मोस्टली 70% पाइथन। तो एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदे, कोई भी जिसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और आपको बेसिक थोड़ी बहुत मैथ या एनालिटिकल पार्ट ऑफ दी, सपोज कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको टेबलू या पावर BI या आपको SQL आता है, तो आप इजली आप अपना कैरियर एक डेटा साइंस में बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और अपना आप कैरियर बनाना चाहते हैं डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में, तो डेफिनेटली आप अपना कैरियर को मूव कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें अलग अलग रोल होते हैं जहाँ पे कम कोडिंग होती है, कम टेक्निकल यूज होती है, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया, जो बेसिकली पार्टिकुलर कोई बिजनेस को ग्रो करने पे काम करती है। वहाँ पे 50% प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, 50% प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है, तो वहाँ पे आप कैरियर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अभी आप नॉन ग्रेजुएट हैं और आप अपना कैरियर डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में बनाना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग करते हैं आप सीखने के लिए। तो सबसे पहले आपको डेटा साइंस में करियर बनाने के लिए सबसे पहला कुछ पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना IT को जितने भी स्किल है उसको स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, आपको विजुलाइजेशन टूल सीखना पड़ेगा, आपको डेटाबेस सीखना पड़ेगा। उसके बाद है आप कम्युनिटी से, डेटा साइंस के बहुत सारे सोशल मीडिया पे कम्युनिटी हैं, वहाँ पे आप जुड़े रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे रियल टाइम के सिनेरियो प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे रियल टाइम के जॉब के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लिंक्डइन या ट्विटर या फेसबुक पे बहुत सारे कम्युनिटी हैं, या यूट्यूब पे, वहाँ पे जुड़े रहें। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई भी कुछ भी सीखते हैं तो उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करना सीखें। आप उसको लाइफ रियल टाइम का प्रोजेक्ट करें, कोई भी रियल टाइम का प्रोजेक्ट कहीं से भी उठा के आप उसको अपने जो भी सीखें उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। उसके बाद जो होता है कि जो भी इवेंट होते हैं डेटा साइंस के, जो डेटा साइंस का इवेंट, बहुत सारे सेमिनार वेबिनार जो
आता, वहाँ पे आप अटेंड करें तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमें से कुछ सीखना चाहते हैं कोई भी कोर्स, तो pandegrojigraphy.com पे जाके इनरोल कर सकते हैं। आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए कुछ भी क्वेश्चन या कुछ डंप चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए pandegrojigraphy.com पे, वहाँ पे मैं काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे। आप ईमेल आईडी पे वहाँ पे ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली बेसिस मंथली बेसिस में ईमेल करते रहता हूँ। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि 1 महीना 2 महीना या 6 महीने कोर्स करने के बाद वो सीख नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो स्टॉप कर देते हैं लर्निंग वहाँ पे। उससे क्या होता है कि उस 6 महीना जितने भी सीखे हैं वो बर्बाद हुआ और दूसरे टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो एक पार्टिकुलर फील्ड आप चूज करें, आप डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट दें उस पर 6 मंथ 1 ईयर, जब तक जॉब ना नहीं लगे उस पर कंसिस्टेंट मेहनत करते रहें, डेफिनेटली आप एक जॉब क्रैक कर लेगा। तो होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिला होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।